हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हीकल की आरसी ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी वाहन की आरसी को ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो आप अगर ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कंप्लीट जानकारी आप अच्छे से समझ सकें। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो लगभग जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेटों में सेम तरीका है। यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना, और उसके बाद सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसमें जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। अगर आपके आरसी से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो ये जो अपडेट मोबाइल नंबर है इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यस पर क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल। अगर आप मोबाइल लिंक या चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें। अगर ईमेल आईडी करना चाहते हो तो ईमेल आईडी पे क्लिक करें। तो जैसे मैंने मोबाइल पे यहाँ पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको गाड़ी नंबर डालना है यानी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे कंप्लीट चेसिस नंबर डालना है, यहाँ पे कंप्लीट इंजन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायर हो रहा है वो कंप्लीट डेट यहाँ पे आपको डालनी होगी। ये सभी डिटेल आपको वाहन के आरसी में मिल जाएगी। और उसके बाद आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, बाद आपको नया मोबाइल नंबर डालना है। नया मोबाइल नंबर डालने के आपके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो नया मोबाइल है आपका, तो उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी डाल के कन्फर्म कीजिएगा तो आपका जो मोबाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस पेज पर आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रोसीड करोगे, ये पेज ओपन आपके सामने हो जाएगा। अब आपको सिंपली डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आरसी प्रिंट फॉर्म 23 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फॉर्म 23 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है यानी गाड़ी नंबर यहाँ पर डालना है, कंप्लीट चेसिस नंबर यहाँ पर डालना है, कंप्लीट इंजन नंबर यहाँ पर डालना है, और उसके बाद सिंपली वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, तो आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी के लिए बॉक्स आ जाएगा। तो जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे गया है वो ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिएगा, और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो आपके वाहन की आरसी है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसमें कंप्लीट डिटेल आपको दिख जाएगी। अगर इसकी आप प्रिंट निकालना चाहते हो, ये जो आरसी है वाहन की, इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो, या फिर अगर सेव भी करना चाहते हो तो प्रिंट पर क्लिक करके सेव एज पीडीएफ इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद सेव करोगे तो डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो, जहाँ भी आप करना चाहते हो वो लोकेशन आ जाएगी, तो वहाँ पे आप सेव कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये पूरा तरीका है किसी भी वाहन की आरसी को ऑनलाइन डाउनलोड करने का या ऑनलाइन निकालने का, किसी भी वाहन की आरसी को। दोस्तों, अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमने इस चैनल पे काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो ये जो सर्च बॉक्स है इस चैनल पे आके यहाँ पे ये जो सर्च बॉक्स है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद सिंपली आप सर्च कर दीजिएगा यहाँ पे व्हीकल। जैसे ही आप व्हीकल सर्च करेंगे तो जितनी वीडियो मैंने इस चैनल पे व्हीकल रिलेटेड अपलोड कर रखी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी।
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड चाहते हैं, ड्राइविंग आप इसमें सर्च कर दीजिएगा, सारी वीडियो आपको दिख जाएगी। अगर आपको व्हीकल ट्रांसफ़र, NOC और पेमेंट रिसिप्ट ये सब निकालना है, तो इसके रिगार्डिंग सब वीडियो मैंने अपलोड कर रखे। चैनल देखना चाहते हो या फिर अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हो एम्परीवन या डिजी लॉकर में, वो सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे, देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हो। वैसे व्हीकल रिलेटेड सारी वीडियो मैंने लगभग अपलोड कर रखी है, फिर भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड भी सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। या फिर आपका ये जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनके अलावा कोई अदर डाउट है तो कमेंट आप कर दीजिएगा। अगर आपके कमेंट ज़्यादा हो गए तो जितने भी कमेंट आपके उन सभी को कंपाइल करके उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो की अगर मैं बात करूं तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने 200 से ज़्यादा अपलोड कर रखी है, 206 वीडियो अपलोड कर रखी है। वहीं व्हीकल रिलेटेड 153 वीडियो अपलोड कर रखी है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपका इंटरेस्ट हो अदर कैटेगरी में तो उन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। दोस्तों वैसे मैंने पहले भी वीडियो 2 सप्ताह पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है वाहन की RC के डाउनलोड के रिगार्डिंग, लेकिन तब और अब जो तरीका है इसमें काफ़ी चेंजेज आ गई है, इसलिए मैंने नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी व्हीकल RC डाउनलोड की, क्योंकि जो इंटरफेस है उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है तब से अब तक। दोस्तों जुड़ना चाहते हो आप अगर ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।